हेलो बच्चों, कल हमने आपको 13 तक न्यूमेरिकल कराए थे। आज हम आपको 14 न्यूमेरिकल कराएंगे। देखो, 14 न्यूमेरिकल में आपको गिवन है बुक अपने पास देखेंगे। बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इक्वल टू 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 है आपकी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है 1.25। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला एयर मीडियम के लिए ANG 1-1, 1/R1/R2, इसमें ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। और जब लिक्विड में लेंगे तो FL में आएगा, और इन दोनों की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारी पावर का निकलेगा, ANG, AN और ANL की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के P1 P2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा 15 में गिवन दिया है, एन 1.5 है, एफ ए हमारी 4 मीटर है, एफ टू हमारा 1.2 है। फॉर्मूला ये लगाएंगे, 1/FA N-1, 1/R1, 1/R2 इक्वेशन 1। अब लिक्विड के लिए 1/FL, जो ऊपर वाला क्वेश्चन कहा था, ANL 1/R1, 1/R2 दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके फॉर्मूला आ गया, इसमें जो वैल्यू दे रखे हैं वो सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा N2 का मान कितना आएगा, NL का 9/7। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्वेश्चन में गिवन हमारा क्या है, एन इजिकल टू 1.5, एफ ए हमारा 50 सेंटीमीटर, एन डैश हमारा 1.2 है। आर को निकालना, एफ एल अपॉन ये वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, इनको सॉल्व किया तो हमारी ये एफ एल की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब 17 क्वेश्चन देखेंगे। 17 क्वेश्चन में क्या करा है, R1 आपको पता है, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, R1 15 और R2 -30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन 1.5, एन डैश 1.6। इसमें पहले हम FE में फॉर्मूला लगाएंगे, N-1 1/R1 1/R2 और 1/FL, और FL की वैल्यू लगाएंगे एन डैश और एन डैश -1 1/R1 1/R2, ये वैल्यू इसको सॉल्व पे डिवाइड करेंगे तो एफ एल की वैल्यू 160 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, गिवन दिया है 1.5, R1 R2 आपको 30 है, FL हमारी 120 है। इस फॉर्मूले लगाएंगे, इसको लगा करके एफ ए कमन 30 सेंटीमीटर आ जाएगा इस फॉर्मूले से, और एन डैश को सॉल्व करेंगे, एन डैश 4.3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंटो, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में गिवन दैट R1 एंड R2 32 सेंटीमीटर, एफ टू हमारी गिवन है 104 सेंटीमीटर, ANG 1.5, NL आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एफ इक्वल टू N-1 1/R1 1/R2। इसमें ये वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और एन डैश जब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारी एन की वैल्यू आएगी 1.3 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। 20 में क्या है, एफ इक्वल टू 5 डैप्टर, एफ इक्वल टू जब एफ हम पी हमारी 5 डैप्टर है तो एफ की वैल्यू कितनी है, 100 100 बाई 5, क्यों पी की वैल्यू लग दी हमने 20 सेंटीमीटर आ गई। अब फॉर्मूला क्या है, एफ हमें दूसरी वैल्यू गिवन है हमें एफ इक्वल टू -85 सेंटीमीटर, ANG 1.5 है तो फॉर्मूला 1/F ANG -1 1/R1 1/R2 की वैल्यू रखेंगे ये, और इसके बाद इसमें लिक्विड में रखेंगे तो ये इन दो फॉर्मूलों को डिवाइड करेंगे तो N2 की वैल्यू हमारी 1.5 आ जाएगी, जो एन डैश हमारा है इसकी वैल्यू लिक्विड में ये आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा और इसको डिवाइड कर देंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21। 21 में हमारी गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और फॉर्मूला 1/F 1/V 1/U लगाएंगे तो R1 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू -12.5 सेंटीमीटर एंड 1/F N-1 1/R1 1/R2 लगा करके इसमें एन की वैल्यू निकाल लेंगे, 1.5 आ जाएगी। अब करेंगे 20। 20 में आपका V की वैल्यू आपको गिवन है 30, तो
और जब 30 गिवन है तो हमारा फॉर्मूला है वन अपॉन एफ वन अपॉन वी वन अपॉन यू, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू एक इक्वेशन आ जाएगी। और वो सेकंड कंडीशन कहता है यदि उसमें हम 5 सेंटीमीटर बढ़ाती जाए तो वन अपॉन एफ वन अपॉन 20, 30 जगह 1/20 हो जाएगा और यू में हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एफ़ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला चलता है 23। 23 में यू की वैल्यू आपको -20 है, 1/f 1/v 1/u लग रखा है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 20 तो एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसमें कह रहा है कि अगर दूसरी तरफ रखते हैं तो यू की वैल्यू 10 हो जाएगी तो वो -1/f हो जाएगा। इक्वेशन टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफ़ इक्वल टू 43/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत संक्षेप में अच्छी तरह समझा करके जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। बच्चों वेलकम, आपको ये 24 क्वेश्चन हैं। यू इक्वल टू बी, तो 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, 1/u 1/v, तो यहाँ यू की मैं एफ़ की वैल्यू रखेंगे तो 2/u आ जाएगा। ये यू डैश की वैल्यू, अब सेकंड कंडीशन में यू डैश की वैल्यू हम रखेंगे 16 - u, तो फार्मूला वही लगाना 1/f 1/v - 1/u + 16। तो अब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करने में हमारी थर्ड इक्वेशन दे रखी है माइनिफिकेशन जो हमारी होती है 3 = v - u - 16। इन तीनों इक्वेशन सॉल्व करो और सॉल्व करने में हमें क्या करना है, केवल इन इसकी वैल्यू यहाँ रख करके इसमें एफ़ की वैल्यू निकाल देंगे, वो हमारी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चन में हमारा ये मैग्नीफिकेशन दे रखा 2.5 और ये इसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन यू, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो फोकस लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला कौन सा है 1/f 1/v 1/u, तो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू u इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या गिवन है, f1 हमारा 10 सेंटीमीटर, u हमारा -20, f2 हमारी 12.5 है और इसमें जो रेडियस करीब 30 है। अब इन दोनों को हम f1 f2 की वैल्यू का कम्बिनेशन फार्मूला लगाएं, कम्बिनेशन फोकल लेंथ का फार्मूला यहाँ से हम निकाल करके और 1/f 1/v 1/u से यहाँ वैल्यू रख के इसमें f की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन आ जाएगा तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 27 में फोकल लेंथ फर्स्ट दे रखे 10 सेंटीमीटर, f2 में 25 और u हमारा 2 मीटर है। तो हम पहले ये कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे और इस फिर इसमें हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1/f 1/v 1/u, फिर से एफ़ की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी और u की वैल्यू को सॉल्व करेंगे 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 गिवन आपको f1 f2 गिवन है 20 सेंटीमीटर है और 1/f 1/f1 1/f2 फॉर्म लगाएंगे, u की वैल्यू 20 है तो पहले इसमें कम्बिनेशन फॉर्म निकाल करके फिर हम सॉल्व करेंगे इसे तो f1 1/v 1/u, इसमें f की वैल्यू दे रखे u की और यहाँ रख करके v इक्वल टू हमारी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कितना दिया हमको, f1 इक्वल टू f2 25 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला क्या है 1/f 1/f1 1/f2 और u की वैल्यू कितनी हमारी -15 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 1/f 1/v 1/u, इसमें सॉल्व इसमें वैल्यू रख के v की वैल्यू निकाल देंगे तो 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन में देखेंगे p पावर हमको दे रखी है, पावर कितनी है 2.5, फोकल लेंथ निकालने फॉर्मूला लगाएंगे f इक्वल टू 100/p, p की वैल्यू है 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे तो 40 सेंटीमीटर आ गया। अब देखेंगे 31 में क्या है, f1 की वैल्यू हमारी है f1 की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, f2 की वैल्यू 25, तो कम्बिनेशन फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे हमें f की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम डैप्टर फॉर्मूला, डैप्टर क्या होता है, p इक्वल टू 100/f इंटू डैप्टर, तो अब इसमें हम p की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो कितनी आएगी 1.5 वैल्यू रख करके हम 1.5 हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, अब आपके क्वेश्चन नंबर 32 चलता है। 32 में क्या गिवन है आपका, दो फोकल लेंथ हैं,
फोकल लेंथ F1 F2 आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें F1 F2 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, इसमें पावर निकालेंगे 100/P, P की वैल्यू F की वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पावर आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। गिवन है आपका F1 हमारी 25 है, F2 हमें निकालनी है, F हमारी 50 है, तो इसमें कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हम F निकाल के P की वैल्यू रखेंगे, P इक्वल टू 100/F, F का बाद 50 से डिवाइड करेंगे 2 डेप्थ आ जाएगा। अब इसमें करेंगे 34 में क्या है, गिवन दैट हमें दिया हुआ है क्या, F1 हमारा 10 सेंटीमीटर है, F2 हमारी 50 सेंटीमीटर है, U इक्वल टू -25 सेंटीमीटर है, तो 1/F, 1/F1, 1/F2, तो 1/10, 1/50 है, तो इसमें F1 F2 वैल रखेंगे, ये सोल्व कर दिया तो हमारी ये हमारी F आ जाएगी 1/F, 1/F इक्वल टू 1/V, 1/U, उसमें F की और U की वैल्यू रख देंगे तो हम V की वैल्यू निकालेंगे, V की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर हैं, ये 25 आ गई। अब हम देखेंगे 35 क्वेश्चन में, P1 आपको गिवन है, P2 आपको गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड फोकल पावर का, P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू रख दी, P2 की वैल्यू रख दी, दोनों को सॉल्व करके 1-1D आया, फिर हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर को नीचे ले आएंगे, F को साइड में ले आएंगे, F इक्वल टू 100/P, P की वैल्यू रखेंगे 1 करके 100 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 25 हो गया। अब चलते हैं 36, 36 में क्या है, गिविन दैट P1 हमारा 8, P2 हमारी 12, तो P हमारी कंबाइंड दोनों को ऐड करेंगे, 8-12, 4 आ गया, जिससे पावर जो हमारी होता है P इक्वल टू 100/F होता है, P को यहाँ लेंगे, F को यहाँ, तो 100/4, 4/25 सेंटीमीटर, इस तरह से आपका ये। हेलो बच्चों, अब देखें 37 क्वेश्चन में हमारा क्या है, हमारी पावर दे रखी, दो लेंसों की पावर है, P1 इक्वल टू 3 डायोप्टर, P2 इक्वल टू -2 डायोप्टर, फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 3D - 2D, तो 1D हो गया, पावर का फोर्स का फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/P होता है, P की वैल्यू रखेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 1 मीटर हो गया हमारे गिवन दैट। 38 क्वेश्चन में क्या है कि हमें P1 दिया हुआ है 5 डायोप्टर, P2 हमारा 7 डायोप्टर, कंबाइंड फोकल पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू P1 P2 की वैल्यू रख देंगे तो -2D आ जाएगा, इससे हम फोकल लेंथ निकालेंगे 100/P, P की वैल्यू हमारी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 50-50 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो माइनस चिन्ह क्या होता है, डाइवर्जेंट के लिए शो करता है, ये इसकी नेचर को बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 39 करते हैं, 39 आपके जो किए हैं P1 की वैल्यू 3 और P2 की वैल्यू -5D है, तो U इक्वल टू -50 है, U इक्वल टू -50 है, तो अब हम जो -50 है इस वैल्यू को हम पहले हम कंबाइंड फोकल लेंथ से पावर निकालेंगे, P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 P2 की वैल्यू यहाँ से निकल यहाँ रख देंगे, -2D आ जाएगा, इससे फोकल लेंथ निकालेंगे 400/2, 2 से -50 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा फॉर्मूला होता है 1/F, 1/V, 1/U, इसमें इनकी वैल्यू रख देंगे, F की और V की वैल्यू रखेंगे तो हमारी V इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, गिवन दैट फोकल लेंथ हमारी 80 सेंटीमीटर है, F1 हमारी 20 सेंटीमीटर है, तो हमें F2 निकालना है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल टू 1/F1, 1/F2, तो P का फॉर्मूला होता है 100/F, तो पहले हमने कंबाइंड का लगा दिया, इससे F2 वैल्यू निकाली, F2 वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने P2 निकाल दी, तो हमारी ये P2 का फॉर्मूला लगा देंगे और ये हमारा P का आया -3.75। ओके, अब 41 क्वेश्चन करेंगे, 41 क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, ये कहता है गिवन दैट, 41 में क्या गिवन है, गिवन दैट F1 हमारी 30 है और F2 हमारी 15 सेंटीमीटर है, मतलब F1 हमारी 30 है और F हमारी 15 है, तो F2 हमें निकालना है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, 1/F, 1/F1, 1/F2, ये वैल्यू रख के F2 की वैल्यू निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है P1 इजकल टू 100/F1 और P2 इजकल टू 100/F2, तो ये वैल्यू निकाल के P1 P2 को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 0, तो इस मतलब प्लेट की तरह इन्फिनिटी हो गया, हमारी जो इन्फिनिटी का मतलब है प्लेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये हमारे 41 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, एक कोई क्वेश्चन मैंने आपका नहीं छोड़ा है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक ही कैलकुलेशन करके समझा दिया है, इसे आप अपने आप इन्हें एक बार रिवीजन करके देखेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है।